दीपावली का सीजन आते ही पटाखों की बिक्री तेज हो जाती है। ऐसे में दीपावली के दिन पटाखे चलाने से प्रदूषण 20 गुना बढ़ जाता है, जिससे अस्थमा, दमा और सांस के रोगियों को भारी दिक्कतें होने लगती हैं। कई बार गंभीर परिस्थितियों में मरीजों की जान भी जा सकती है, जिसको लेकर जब डॉक्टर प्रशांत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि NCR में पटाखों पर बैन लगाना कोर्ट का बेहद सराहनीय फैसला है। इससे दीपावली शुभ हवा में बनाई जाएगी। दीपावली का सीजन है, ऐसे में पटाखे आमतौर पर काफी संख्या में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो ऐसे में वैसे तो हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है, लेकिन NCR में ही केवल बैन लगा है। तो पलवल में भी पटाखे दूसरी जगहों से भी आएंगे और उन पटाखों के फूटने के कारण काफ़ी सारा वायु प्रदूषण भी होगा, तो इससे प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा? जो प्रदूषण का प्रभाव है वो अधिकतर बुजुर्गों को और जिनको अस्थमा का रोग है और जिनको साथ साथ में हार्ट की भी परेशानी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन लोगों को अस्थमा बढ़ जाता है और बुजुर्गों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो इन लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इसका। तो जो दीपावली के जो सीज़न है, दीपावली के त्यौहार के आसपास देखा जाता है कि वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक ये रहता है और इससे आम जनमानस है वो कितना प्रभावित होता है? इस समय पे दिवाली के आसपास एक तो पराली जलाने के कारण और दूसरा पटाखों के कारण प्रदूषण करीब करीब 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इस समय पे बिल्कुल धुआं धुआं दिखाई देने लग जाता है। एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, रात को एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं बुजुर्गों में और एस्थमेटिक मरीजों में जो है काफ़ी जो है दिक्कतें महसूस करी जाती हैं। तो बेटर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रूल रेगुलेशन लगाया है जिससे सांस लेने की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होगा। थोड़ा बहुत पटाखा हमारे जो इलाके में आगरा साइड से और आसपास के इलाकों से आएगा, लेकिन वो इतना भयंकर प्रदूषण नहीं करेगा। दीपावली एक दियों का त्यौहार है जिसमें दिए जलाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इन सब चीज़ों में ही हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। एक प्रदूषण, एक पटाखा जो कि 20 गुना सिगरेट के बराबर धुआं कर देता है और जिससे जो है खांसी होती है और तरह तरह की परेशानी होती है, लोग परेशान होते हैं, केवल एक प्रदूषण देखने के लिए जो है हम लोग पटाखे ना जलाएं। कई सालों से लोग अपील करते आ रहे हैं कि धीरे धीरे पटाखे कम करें, पटाखे कम जलाएं। ये बहुत ही अच्छा है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की रूलिंग निकाली है कि पटाखे नहीं बिक्री होंगे, जिससे इसमें काफ़ी कम होगा, इजाफा नहीं होगा। पिछले साल दिवाली के आसपास जब मैं जयपुर गया तो जयपुर में देखता हूँ आबोहवा बिल्कुल साफ थी, मौसम बहुत अच्छा था, इवन तारे दिख रहे थे रात में। यहाँ पे उस समय पे बिल्कुल कोहरा, अंधेरा और धुंध, जो मिस्ट जिसे कहते हैं, फॉग और जो धुंध दोनों मिलकर के ऐसी चीज़ बनाती है जिसके कारण आम आदमी के अंदर भी सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है। और वो सारी की सारी अगर जो है ये पटाखों के ऊपर जो है अंकुश रहेगा तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है और सांस लेने की जो परेशानी है वो कम होगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि दीपावली के टाइम में पटाखे जो छोड़े जाते हैं उनके बाद में धुआं उनसे निकलता है, तो प्रकृति को किस तरीके से नुकसान होता है? प्रकृति में हम ही लोग आते हैं, आदमी आते हैं, जानवर आते हैं, साथ में पेड़ पौधे आते हैं। अगर इस समय पे जो है बारिश होती है तो वो एसिड रेन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे एसिड रेन जो है हमारी सॉइल को, हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, प्लस जो है आदमियों को और जानवरों को हर तरीके से वो नुकसान पहुंचाती है। तो पोल्यूशन जो है ना ऑन इटसेल्फ पूरी की पूरी जो साइकिल है उसको भी खराब करती है और वो नुकसानदेह है। अच्छा, जैसा कि सांस की बीमारी के लिए काफ़ी घातक होता है, तो ऐसे में इस तरह के इतना आप बता रहे हैं कि 20 गुना 10 गुना जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, उसके बाद जो सांस के रोगी होते हैं क्या उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब होने की नौबत आ सकती है? हाँ, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, यही एक दिक्कत है। वो उनकी कंडीशन खराब तो है ही और बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनको बार बार पफ देने पड़ते हैं, ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ जाती है। तो ये एक ऐसी समस्या हो जाती है कि एक परिवार के ऊपर, एक तो दिवाली एक थोड़ा सा खर्चा होता ही है हर घर में कुछ।